नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। अहमदाबाद शहर में सीए बिल के विरोध में दंगे में घायल हुए पुलिस कर्मियों का समर्थन। आज रोज अहमदाबाद शहर के भूलाभाई पार्क विस्तार में शाह आलम विस्तार में सीए बिल के विरोध में दंगे में घायल हुए पुलिस कर्मियों को समर्थन देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अहमदाबाद शहर के भूलाभाई पार्क में शाह आलम विस्तार में सीए बिल के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन और पथराव हुआ था, उसमें बहुत से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हीं के समर्थन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भूलाभाई विस्तार के स्थानीय जनता एवं सामाजिक कार्य कर रहे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और उनकी तरफ से बैनर और सूत्रों उच्चार करके गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों को समर्थन दिया गया। पेशे अहमदाबाद से श्री लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। आज कुछ लोग जो सामान्य नागरिक है, जो सामान्य सिविल है, किसी भी पक्ष या किसी भी के साथ जुड़े हुए नहीं है, वो लोग कैप को लागू करने के लिए और पुलिस पर हमला बंद करने के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं देश की जनता, तो आज हम उन सबसे बात करेंगे। आप ये किस लिए कर रहे हैं? तो मैं भाई साहब जो खड़े हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप ये किस लिए कर रहे हैं? आज भारत के अंदर जो आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने संसद में जो एक विधेयक पसार कर दिया, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन देश के अंदर जो हिंदू को प्रताड़ित किया जाता है, इसमें छह धर्म के लोग है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, हिंदू है, पारसी है और जैन है। ये लोगों को वहाँ उनका धर्म का पालन नहीं किया जाता है, जाने देता है, और उनकी लड़कियां बीवियों के साथ बलात्कार किया जाता है, उसकी न थाने में केस दर्ज होता है न केस चलता है, उनकी वहाँ पर जो भी माल मिल करते वो ले लेते हैं और वो लोग को धर्म छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं। इसके हिसाब से सरकार ने ये लोग को CAA के अनुसार एक प्रावधान करके एक अधिकार दिया है कि ये लोग यहाँ के भारत के नागरिक के तौर पर वो लोग एप्लीकेशन दे करके भारत के नागरिक बन पाएंगे। तो इस कायदे के लिए हम उनके फेवर में खड़े हैं। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले को ये क्यों नहीं दिया जाता मुसलमानी को, जैसे यहाँ पे भारत की आजादी के समय 2 करोड़ मुसलमान थे, आज उनकी बस्ती 30 करोड़ के आसपास है, आज तक उनको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। दूसरी जगह पाकिस्तान जब अपने साथ आजाद हुआ तो पाकिस्तान के अंदर वहाँ की 24% वहाँ पे हिंदू थे, जो आज वकाय वहाँ पे 230% ही रह गए हैं। उस हिसाब से वहाँ के अल्पसंख्यक को यहाँ की सरकार ने ये करने के लिए, यहाँ रहने के लिए उनको अनुमति दी है, तो इसमें किसी मुस्लिम को खैर कुछ काम है नहीं। इस कायदे का बिना सोचे समझे ये लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोग को CAA समझना चाहिए और CAA के मुताबिक पुलिस पर जो हमला कर रहे हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जो पुलिस यहाँ देश के अंदर 24 घंटे में से 16 घंटे यहाँ पब्लिक की सेवा करती है और उसी के ऊपर पत्थर मार के उनको मारा जाता है, डंडे से पीटा जाता है, इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। आप ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हो? भारत के अंदर जो संविधान के अंदर संशोधन करके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने CAA का जो प्रावधान किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अंदर जो भी हिंदू जो रहते हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको उनका धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, उनकी बहन बेटियों का इज्जत लूट ली जाती है और जब थाने में वो लोग फरियाद करने जाते हैं तो उनका कोई फरियाद नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होता है और उनको इस्लाम अंगीकार करने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। उस हिसाब से यहाँ के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने ये CAA का कानून जो लाए, उसके यहाँ के लोग जो विरोध करके पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस पर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए और CAA की तरफदारी के लिए हम लोग ये आम नागरिकों इसका प्रदर्शन और इसका विरोध करके हम उसके खुले समर्थन में CAA और CAA के खुले तरफ में और पुलिस के ऊपर हो रहे जासूसी के विरोध में ये सब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं।